देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव अब सामने है। आज हम बात बिहार की करेंगे। देखिए बिहार में 40 सीटें हैं और सीट शेयरिंग को लेकर अब जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि 25% सीट उनको बिहार में चाहिए, यानी कि 40 सीटें कुल बिहार में हैं, 10 सीट कांग्रेस को चाहिए। अब कौन सेक्रीफाइस करेगा, कौन त्याग करेगा? देखिए लालू प्रसाद यादव मुंबई की बैठक में उन्होंने कह दिया था कि हम त्याग करने के लिए तैयार हैं, किसी भी तरीके से हमको केंद्र से बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी को हटाना है। लेकिन देखिए लालू प्रसाद यादव तो त्याग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार समझौता करेंगे? बात यहीं पर अटकती है कि आखिरकार जब कांग्रेस 10 सीट मांग रही है तो नीतीश कुमार की पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और इंडिया महागठबंधन में तमाम ऐसे पार्टी हैं, कहाँ सेक्रीफाइस किया जाएगा, कौन त्याग करेगा? और सीटें 40 ही हैं। अब जरा आप सोचिए सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से अब सवाल हो रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार, जहाँ तक सवाल आ रहा है, नीतीश कुमार समझौता नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव पहले ही कह दिए हैं वह समझौता कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस जहाँ 10 सीटें मांग रही है बिहार में, अब जरा सोचिए कांग्रेस को 10 सीट नहीं मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को 5 से 6 सीटें ही मिलेंगी, लेकिन 10 सीट कांग्रेस को नहीं मिल सकता है। और नीतीश कुमार कितने पर समझौता करेंगे? और लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को कितना, उनके पार्टी को कितना सीट मिलेगा? 40 सीटों में जिस तरीके से अब सीट शेयरिंग को लेकर शुरू हो गए हैं बातचीत, देखिए बहुत जल्द अब बैठक होने वाली है इंडिया महागठबंधन की और उसमें अब सीट शेयरिंग को लेकर मामला सामने आएगा कि आखिरकार किन पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा, कितने लोग नाराज होंगे, कितने लोग खुश होंगे, यह देखने वाली बात होगी। देखिए 40 सीट जो बिहार में लोकसभा के हैं, 40 में जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5 सीट कांग्रेस को मिल जाएगा। और नीतीश कुमार की पार्टी पर ही बात, यानी कि जनता दल यूनाइटेड कितनी सीटें पर समझौता करेगी? देखिए नीतीश कुमार लगभग 10 सीट से कम पर तो समझौता नहीं करेंगे, यह बात का अनुमान लगाया जा रहा है। 15 सीट यही हो जा रहे हैं, लेकिन देखिए नीतीश कुमार का सीट बढ़ भी सकता है, हालांकि अनुमानित बता रहे हैं 15 सीट यही हो जा रहा है। और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को कितना सीट मिलेगा, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। लेकिन देखिए बिहार में साफ तौर पर लगाया जा रहा है अंदाज कि नीतीश कुमार ज़्यादा समझौता नहीं करेंगे सीट को लेकर। कांग्रेस को पिछली बार 9 सीटें मिली थी, तो इस बार कांग्रेस को 5 सीट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। देखिए पिछले बार कांग्रेस महागठबंधन से चुनाव लड़ी थी और 9 सीटें उन्हें यहाँ पर दिया गया था बिहार में, लेकिन इस बार उससे जरूर कम मिलेगा। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी के जाने के बाद कांग्रेस की जनादेश बढ़ी है, कांग्रेस में लोग जुड़े हैं और कांग्रेस की लोकप्रियता कहीं ना कहीं अब बढ़ गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5 सीट मैक्सिमम है कांग्रेस को लेकर। और नीतीश कुमार की पार्टी में ही बात आ रही है कि नीतीश कुमार कितने सीट पर समझौता करेंगे, लालू प्रसाद यादव तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बात हो रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, अनुमानित बताया जा रहा है। और बहुत जल्द अब इंडिया महागठबंधन की अगली बैठक होने वाली है और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ सामने आ जाएगा कि किन पार्टी को कितना सीट यहाँ से बिहार में मिलेगा। देखिए सीट शेयरिंग को लेकर अब बातें जरूर सामने आने वाली है बहुत जल्द। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।